बरीवाला से ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसान देहरादून के लिए निकले। किसान नेता सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि कितनी दुर्भाग्य की बात है, अन्न उगाने वाले किसानों को आज खेत में होने की बजाय सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सिंधु बॉर्डर पर और उनकी बात सुनने की जगह आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। किसानों के ऊपर जो पंजाब में किसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उसके लिए किसानों को एक शौक नहीं है कि सड़कों पे आए। किसान एक मजदूरी करके अपनी खेती करके अन्न पैदा करने वाला एक अन्नदाता है। जब इस सरकार ने किसानों के साथ में अत्याचार करना शुरू कर दिया है तो मजबूरन आज किसान सड़कों पे उतर के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देने जा रहे थे, जिसलिए आज टोल प्लाजा पे किसानों को पुलिस के द्वारा रोका गया है। किसान शांतिपूर्वक से अपना आंदोलन कर रहे हैं और करते रहे। तो हमेशा से ही पीड़ा झेलता आया है, बड़े ही विडम्बना की बात है। पूरे देश को अन्न उगा करके देश का पेट भरने वाले किसान के साथ हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पे आप देख रहे हैं कि क्या सलूक किया जा रहा है। लाठी डंडे पानी के बौछारे, यहीं तक आके सरकारों का पेट नहीं भरा, उन पे गोलियां तक चलाई जा रही हैं, जिससे कि कई किसान वहाँ चोटिल हो गए। और हम उसी के विरोध में डिस्ट्रिक्ट देहरादून की भारतीय किसान यूनियन टीम जो है पूरी, ये जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। और बड़े शांतिमय ढंग से जा रहे थे, हमें यहाँ रोक लिया गया है, तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, या तो डीएम साहब को यहीं बुला लीजिए, अन्यथा हम देहरादून जाके रहेंगे।